अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। राइट नो, आज अभी मैं टॉपिक जो बनाने जा रहा हूँ, खुद का अपना वीज़ा है, जापान का ई वीज़ा अप्रूव हो चुका है। मैं मक्का आया हूँ, मक्का में उमरा करने अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई है। सबको अल्लाह पाक दे तौफीक, सब लोग आएँ उमरा करें। तो मैं यहाँ पर ही था, ई वीज़ा मैंने अप्लाई किया हुआ था, विद इन 12 डेज़ के अंदर अंदर इसका आंसर आ गया। टोटल 12 डेज़, इसमें वर्किंग डेज़ हॉलीडेज इंक्लूडिंग है, ठीक है। मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, बिल्कुल ज़ीरो दरम, ज़ीरो, एक खर्चा भी नहीं आया, एक रुपए का भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, जिसका भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूएई से ई वीज़ा है, पाकिस्तान से आप अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान से एम्बेसी जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, सब कुछ वही पुराना वाला सिस्टम है। यूएई के लिए ई वीज़ा इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। यूएई से अभी फ्रेश रिसेंटली एक मंथ भी नहीं हुआ ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। ई वीज़ा आपने अप्लाई करना, तो यूएई रेजिडेंस के लिए बहुत इजी हो गया ई वीज़ा। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें, मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री नई भी चाहिए, फ्रेश पे भी लग जाता है, ठीक है। जापान के इतना हैवी वीज़ा नहीं है, सही है, मतलब और कंट्रीज से हैवी है, फ्रेश पे भी दे देते हैं, मसला नहीं है। ई वीज़ा तो फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी है, ठीक है। तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर तो ओबियसली आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। सो मुझे तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अब देखें अब कब ट्रैवल होता है, टाइम मिले तो स्केड्यूल करें टाइम टेबल, तो ट्रैवल करेंगे जापान के लिए भी। सो ये 15 डेज़ के लिए मुझे वीज़ा मिला है। मैंने तो ज़्यादा 7 डेज़ 8 डेज़ स्टे करना होता है, दो तीन दिन भी एक सिटी में गुजारे इनफ होता है व्लॉग्स वगैरह के लिए बहुत। सो वीज़ा ये कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए वही सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, NOC लेटर और होटल बुकिंग, एयर टिकट, टावर लेटर, डे बाई डे आइटनरी प्लान, जितने दिन के लिए आपने रहना है ट्रैवल आप उनको बताएं, यहाँ पे रहूँगा, पोर्ट ऑफ एंट्री, कौन से एयरपोर्ट में एंटर होंगे, सारी वही डिटेल होती है। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जापान वीज़े का, वो अप्लाई करके सब चीज़ें PDF फाइल में रखना है। ई वीज़ा के लिए PDF फाइल में सारी चीज़ें A to Z करके फाइल रेडी करके अपने लैपटॉप पे रखनी है, वहाँ से ही अपलोड करें वन बाय वन डॉक्यूमेंट सारे, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो दरम में आपको ये वीज़ा मिलेगा अगर आप खुद अप्लाई करें। किसी के पास जाएंगे तो आई थिंक 2,000, 3,000, 4,000 जितने में आप फंस गए। सो ठीक है यार, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़।